हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जावा टॉपिक या जावा एक ए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है स्ट्रीम्स। ये बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग एंड अगर मुझसे पूछा जाए द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा एक में। तो चलो ठीक है, अब हम लोग अपने बोर्ड की तरफ मूव कर जाते हैं और देखते हैं आगे हम लोग के लिए आज क्या है। तो बेसिकली आज हम लोग कवर करेंगे थ्योरी सेशन। ओके, इन थ्योरी हम लोग जानेंगे कि स्ट्रीम्स इन जनरल क्या होती है, स्ट्रीम का यूज केस क्या है हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में, और हम लोग ये क्यों इतनी पॉपुलर है। राइट, पहले है कोई, अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम होती थी, मान लो कुछ हमारे पास ये एरे है, राइट, और एरे के अंदर से हमको पहले फिल्टर आउट करना है कुछ इंफॉर्मेशन, लेट से 18 से ऊपर जो है उनको फिल्टर आउट करना है, एंड जितने भी 18 से ऊपर हैं उनको फिर हमको कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, एंड देन उस 18 से उसके बाद जो सबसे मैक्स है उसको फाइंड आउट करना है। तो अगर इस तरीके के कैलकुलेशंस हमको फाइंड आउट या फिर हमको दोबारा से आइटरेशन करना है तो इसके लिए बड़ी ही चैलेंजिंग चीजें होती थी और हमको मल्टीपल फॉर लूप से गुजरना होता था। करेक्ट, ओके। तो इस चीज को जावा एट के डेवलपर्स ने या जावा एट के क्रिएटर्स ने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उन्होंने सोचा एक क्यों ना हम लोग एसक्यूएल की बेस की तरीके जाएं। ओके, एसक्यूएल में फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है कि भाई मैक्स सैलरी निकाल के दे दो। राइट, अब सेम उसने क्या किया भाई, सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट मैक्स है ना, सेल सेल फ्रॉम एम्प्लॉय, करेक्ट, EMPLOYEE, ओके, इस तरीके कर दे। तो इन्होंने एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, जिससे मैक्सिमम सैलरी निकल जाए। तो यानी इन्होंने बहुत सारे हेल्पर फंक्शन एसक्यूएल ने दे दिए जिसके थ्रू ये अदरवाइज क्या करना पड़ता, ये सारी के सारी कैलकुलेशंस जावा को करनी पड़ती अपने एंड पे आइट्रेशन के थ्रू एंड फाइंड आउट करना पड़ता। करेक्ट, सो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए जावा क्रिएटर ने स्ट्रीम एपीआई का निर्माण किया। स्ट्रीम अगर मैं बोलूं तो इट्स अ काइंड ऑफ डेटा फ्लो। ओके, जैसे स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, अगर हिंदी में बात करें इसका मतलब होता है धारा, ठीक है। तो यानी रिवर एक स्ट्रीम की तरीके बह रही है, यानी डेटा अगर आपके पास आ रहा है विच इज काइंड ऑफ ए फ्लो, और जिसमें बहुत ही सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम, यानी जिसके कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ द डेटा, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज द स्ट्रीम्स। ओके, तो बेसिकली स्ट्रीम में दो तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। पहला कि भाई इंटरमीडिएट ऑपरेशन, इंटरमीडिएट ऑपरेशन। सेकेंडली होता है टर्मिनल ऑपरेशन, नल ऑपरेशन। राइट, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग। यानी इंटरमीडिएट मतलब क्या, जब भी ये कभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इसका जो एंड रिजल्ट हो वो होगा वो खुद एक स्ट्रीम होगा। करेक्ट, यानी जब भी कोई ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसका आउटपुट जो होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो खुद एक स्ट्रीम होगा। और टर्मिनल ऑपरेशंस का मतलब होता है भैया यहाँ पे आगे चीज खत्म हो गई। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, असेंबली लाइन शायद तुम लोगों ने सुना होगा, असेंबली लाइन, असेंबली लाइन। तो ये क्या होती है असेंबली लाइन, जैसे भी कार प्रोडक्शंस होते हैं, अगर कार के बारे में तुम लोग जानते हो या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हो, तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कार आई, यहीं पे सब कुछ, इसके पहिए लग गए, यहीं पे इसका स्टेयरिंग लग गया, यहीं पे इसके दरवाजे लग गए, तो इस तरीके की चीजें नहीं होती है। तो होता क्या है भाई, एक लंबी सी पटरी होती है, करेक्ट, ओके, और यहाँ पे कई सारे मैकेनिकल मैकेनिक बैठे रहते हैं, इस तरीके से कई सारे मैकेनिक बैठे रहते हैं, यू इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से बैठे रहते हैं, एंड फाइनली इस तो आपका क्या होता है कि जो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बंदे का काम है केवल इंजन सेट करना, मीन्स इंजन सेट हो गया फास्ट, ओके, नाउ इस वाले बंदे का क्या काम है, सिर्फ व्हील्स सेट करना, यानी ये व्हील सेट करेगा। इस वाले बंदे का क्या काम है भाई, ये कहेगा कि मैं गाड़ी में सिर्फ क्या करता हूँ, है ना, मैं गाड़ी में क्या करता हूँ, सिर्फ स्टेयरिंग लगाता हूँ। तो इस तरीके करते करते एक और फाइनली इसका क्या होता है, एक आउटपुट होगा जो टर्मिनल ऑपरेशन होगा, यहाँ पे जाके इसका मतलब कार रेडी हो गई है, अब आप आगे प्रोडक्शन के लिए यानी सेल्स के लिए भेज सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने कुछ
चीजों को कैटेगराइज किया है, तो अगर मैं इस चीज को एक बाय बाय, मैंने जो भी टॉपिक्स लिए हैं उसको धीरे धीरे लेते रहते हैं और एक्सप्लेन करते रहते हैं, करेक्ट? ओके, तो अगर हम लोग जावा स्ट्रीम्स की बात करें, तो देखो मैंने बात की एक सोर्स स्ट्रीम अपनी हो गई, राइट? क्रिएट ए इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम, इसमें हम लोग इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज फिल्टर करनी है, कुछ उसमें मैनुपुलेशन करना है, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कम ज्यादा करनी है, यानी उसको एक डेटा को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है, तो इस तरीके के ऑपरेशंस को कहा गया है भैया इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ठीक है? एंड जब फाइनल आउटपुट उसका हमें लेना होता है तो उसको हम लोग टर्मिनल ऑपरेशन कहते हैं, और उससे हमें फाइनल आउटपुट मिल जाता है, ठीक है? अब स्ट्रीम कैसे क्रिएट करी जा सकती है, देखो इन्हें क्या एरे का इस्तेमाल करते हुए, कलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके का स्ट्रीम किया जा सकती है। इसके एग्जाम्पल दिया है, फिल्टरिंग कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं, टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, डेटा मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है? एग्रीगेटिंग द रिजल्ट्स, यानी उस रिजल्ट्स जो हमारे पास आया है उसमें काउंट कर सकते हो, सम कर सकते हो, या कोई भी ऐसे तरीके से इंफॉर्मेशन को कर सकते हो, करेक्ट? ओके, अब सेकेंडली चीज को करते हैं हम लोग, आप देखो अगर हम बात करें, स्ट्रीम्स इज अ न्यू एब्स्ट्रैक्ट लेयर, ये एक नई एब्स्ट्रैक्ट लेयर है जो जावा 8 में इंट्रोड्यूस करी गई है। यूजिंग स्ट्रीम यू कैन प्रोसेस द डेटा इन अ डिक्लेरेटिव वे सिमिलर टू एसक्यूएल स्टेटमेंट। सो तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अगर मैं इसके बात करूं, सेकेंड अपनी जो पीपीटी है, अगर इसकी बात करें तो इसका क्या मतलब होगा, करेक्ट? वॉट आर द स्ट्रीम्स, ठीक है? स्ट्रीम रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सोर्स विच सपोर्ट्स द एग्रीगेट ऑपरेशन, ठीक है? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, यानी कोई भी स्ट्रीम्स प्रोवाइड अ सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप इन अ सीक्वेंशियल मैनर एंड गेट कंप्यूटेड एलिमेंट ऑन डिमांड, इट्स नेवर स्टोर द एलिमेंट, ठीक है? सोर्स स्ट्रीम टेक्स कलेक्शन एरे और आयो रिसोर्सेज एज ए इनपुट सोर्स, मीन्स ये कलेक्शन से स्टार्ट हो सकता है, एरे से स्टार्ट हो सकता है, और जो डेटा स्ट्रीम्स को फॉलो करते हैं फॉरवर्ड करता है, ठीक है? और एग्रीगेट ऑपरेशन लाइक जो भी ऑपरेशंस होते हैं ये इसकी बातें कर रहा है, पाइपलाइन की ये बात हम कर चुके हैं, एंड ऑटोमेटिक आइटरेशन, तो यार ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं, करेक्ट? तो मेजरली एक मैं और हाईलाइट एक पॉइंट करना चाहता हूं, जिसका मतलब क्या होता है भाई, ओके, द स्ट्रीम डज नॉट स्टोर एलिमेंट, ये बहुत ही खास बात है कि इस कोई भी स्ट्रीम अपने अंदर, यानी एग्जिस्टिंग डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती है, मतलब अगर कोई हमारे पास एरे है या कलेक्शन है या कुछ भी है, ये कोई भी छेड़छाड़ ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर में नहीं करती है, ये इससे इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, कि ये किसी भी तरीके से एग्जिस्टिंग डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं करती है, करेक्ट? तो द स्ट्रीम डज नॉट स्टोर एलिमेंट, इट सिंपली कन्वेज एलिमेंट फ्रॉम सोर्स सच एज डेटा स्ट्रक्चर एरे और थ्रू द पाइपलाइन ऑफ द कंप्यूटेशन। स्ट्रीम इज अ फंक्शनल इन नेचर, ठीक है, ये फंक्शनल इन नेचर होती है, ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द स्ट्रीम डज नॉट मॉडिफाई इट्स सोर्स, ये अपने सोर्स को कभी भी मॉडिफाई नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल फिल्टरिंग ए स्ट्रीम ऑब्टेन फ्रॉम ए कलेक्शन टू प्रोड्यूस ए स्ट्रीम विदाउट फिल्टरिंग द एलिमेंट रादर देन रिमूविंग द एलिमेंट, कुल मिला के अगर कोई फिल्टरेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है जिसके बाद इसमें केवल दो एलिमेंट बनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल कलेक्शंस भी दो एलिमेंट का हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? स्ट्रीम इज अ लेजी एंड इवेल्युएट्स द कोड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ये लेजी लोडिंग को फॉलो करता है, ठीक है? लेजी मतलब जब भी कभी एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा तभी इसके ऑपरेशन कॉल किए जाएंगे, एंड द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रीम्स आर ओनली विजिटेड वंस इन ए लाइफ टाइम, ठीक है? जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसमें केवल एक ही बार वो विजिट होगा, दोबारा करने के लिए हमें फिर से उसको काइंड ऑफ कोई हमें इंटरमीडिएट ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट? ठीक है, इसको एक बार ओके, अब छोटे छोटे हमारे पास दो तीन एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है? अगर स्ट्रीम्स जनरेट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है भाई,
स्ट्रीम जनरेट करना है तो एज ए लिस्ट, ठीक है, स्ट्रीम ऑपरेशन है एरेज डॉट एज लिस्ट और यार स्ट्रिंग डॉट स्ट्रीम, तो ये ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं, करेक्ट। इसको भी हटा देते हैं। एंड अगर एग्जाम्पल सेकेंडली इसको हम लोग कोडिंग में जरूर देखेंगे, फॉर ईच ये जैसे डिफॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है, तो रेंडम एक क्लास है जिसके थ्रू क्या किया गया है भाई, उसमें इंट से स्ट्रीम जनरेट हुई है। लिमिट होता है कि केवल 10 नंबर जनरेट करें, ठीक है, उसके बाद फॉर ईच ये हमारी फॉर ईच एक लूप है जिसके थ्रू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं भाई मैप का। इसमें क्या किया गया है कि इसमें देखो, इसमें डिस्टिंक्ट, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसको आई स्क्वायर किया गया, यानी इसका ये i3 आएगा और यानी इसकी वैल्यू 9 आएगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू भी 4 आएगी। तो इसमें क्या गया है, इसमें जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसकी एक लिस्ट क्रिएट करी गई है। क्या करी गई है, लिस्ट क्रिएट करी गई है, ओके। तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। एंड इसी तरीके से हमारे पास एक दो और एग्जांपल है जो जल्दी से मैं कवर कर देता हूं, और इसको हम लोग डिटेल्स में विद कोडिंग, बिल्कुल भी घबराना नहीं दोस्तों, हम लोग इसको एक एक करके सारे स्ट्रीम्स में बहुत डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस, खास तौर से प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम लोग बहुत डिटेल में इन डेप्थ वन बाय वन ओनली वन एट ए टाइम, सो स्लो एंड स्टडी हम लोग उसको बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, करेक्ट। तो इसमें देखो जैसे स्ट्रीम का फिल्टर आउट किया गया है, फिल्टर आउट यानी कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग है उसकी काउंटिंग करी गई है। अगर देखो ये लॉजिक लगा हुआ है, यानी हमने स्ट्रिंग किया उसका हमने स्ट्रीम ऑफ मेथड लगाया, जिसने किया गया भैया जितने भी इसमें होंगे सबके सब स्ट्रीम आ जाएंगे, ओके। एंड उसके बाद हमने इसमें काउंट कर लिया कि कौन कौन से एम्प्टी हैं, निकाल लो, जैसे ये एक एम्प्टी है, ये एक एम्प्टी है, इसके बाद इसकी काउंटिंग कर लो, करेक्ट, ठीक है, ओके। अब इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। एंड फाइनली जो अभी हम लोग के पास ये जस्ट एक टू हम लोग मेथड्स का, यानी जो इंटरमीडिएट मेथड्स हैं उसका एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, ठीक है। दिस मेथड यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ स्ट्रीम, अगर हमें केवल 10 बार प्रिंट कराना है या 10 बार कोई लूप चलाना है या 10 उसकी लिमिट साइज 10 करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये केवल एक रूपरेखा थी कि स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है और हमारे आगे वाले के मोस्ट कॉमनली मेथड्स क्या है। सो स्ट्रीम इज गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड टॉपिक, इट विल टेक अराउंड 20 to 30 lectures, सो आप प्लीज स्टे ट्यून्ड, और बहुत ही डिटेल में हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।